एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्यात्मा व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ यात्रा के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उनके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अपने साथ लेकर चलने वाला पानी भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मालिक। इतने में ही उसे कुछ दूर पर साधु तप करता हुआ नजर आया। उस व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है, जाओ जाकर वहाँ से पानी लाकर प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को धन्यवाद बोला। पत्नी और बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण वही रुकने के लिए बोला और खुद ही पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। पुण्य आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और सारा पानी उन 5 को पिला दिया। जब दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति मिले जो उसकी तरह प्यासे थे। पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उन्हें पिला दिया। ये घटना बार बार हो रही थी और जब काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? उस पुण्य आत्मा ने बोला, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते हो जैसे मैंने निभाया। पुण्य आत्मा ने पूछा, कैसे महाराज? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ आ गया कि अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने के बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने की विधि बता देना चाहिए।